हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा मॉडल पेपर क्वेश्चन जारी किया गया है दोस्तों, है ना। सेट ए बी सी, तो इसका जो है सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं तीनों सेट का दोस्तों। आपको एक ही वीडियो में तीनों सेट जो जारी किए गए हैं उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको तीनों सेट में मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला वीडियो जो है सेट ए के लिए होगा और दूसरा जो वीडियो आएगा वो सेट बी और सी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेट ए का है दोस्तों, लिखा नहीं हूँ मैंने सेट को, लेकिन ये मॉडल पेपर ही है जो कि सी जी ओपन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रबलित नमक में भरपूर होता है आयोडीन। आंसर बस बोलते जाऊंगा दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा है थोड़ा। हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए निम्न की ज़रूरत होती है, तो हड्डियों और दांतों को मजबूत होने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी। रेड कलर का आंसर है। रसोई में काम करते समय कौन सा कपड़ा पहनना सर्वाधिक खतरनाक होता है, तो नायलॉन का कपड़ा जो है जल्दी जल जाता है, इसलिए नायलॉन आएगा उत्तर में। कूड़े कचरे के निपटान की नवीनतम तकनीक क्या है, भस्मीकरण। पल्स पोलियो के लिए कौन सा दिन चुना जाता है, रविवार को। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्राकृतिक प्रतिरक्षा व्यक्ति को स्वयं से ही प्राप्त होती है। सफ़ेदी सूती कपड़े पर चाय का पुराना दाग छुड़ाया जाता है बोरेक्स लगाकर। रसोई घर में कार्य करते समय सूती के कपड़े पहनना चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। महात्मा गांधी एक दयालु हृदय से व्यक्ति थे। निम्नलिखित वाक्य में सत्य असत्य कथन लिखे। चूल्हे पर एक ऊंची चिमनी लगाने से वायु प्रदूषक कम हो जाते हैं, सत्य कथन है। उन्हीं कपड़ों को पानी में भिगोकर रखा जाना चाहिए, असत्य है। कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए, सत्य है। जब हम दो या दो से अधिक गतिविधियों का संयोजन करते हैं तो इसे सामंजस्य कहते हैं, सत्य है। सरकार आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ये भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक अति लघुतरी प्रश्न है। गृह विज्ञान के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, तो गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के नाम के 5 क्षेत्र सम्मिलित है। पहला है भोजन, दूसरा संप्रेषण विस्तार, तीसरा संसाधन प्रबंधन, मानक विकास, कपड़ा व परिधान। प्रश्न 3, भोजन पकाने की कोई 4 विधियों के नाम लिखिए, तो आर्द्र ताप द्वारा पकाना, शुष्क ताप द्वारा पकाना, वसा द्वारा पकाना, उबालना, बेकिंग करना इत्यादि। संक्रामक रोग और संक्रामक रोग में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए पूरा वीडियो देखना है आपको, इसलिए क्योंकि वीडियो देखने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद भी हो जाएंगे। तो संक्रामक रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक, ठीक है। गैर संक्रामक क्या होता है, कई रोग ऐसे होते हैं जो गंदा खाना पीना करने से हो जाता है। संसाधन क्या होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। छठवा, परिवार के लिए अनुशासन आवश्यक क्यों है। अनुशासन परिवार के लिए अति आवश्यक है क्योंकि अनुशासित परिवार समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। धुलाई शब्द की परिभाषा दीजिए। धुलाई का मतलब कपड़ों की धूल गंदगी को हटाने के लिए साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग करना ही धुलाई कहलाता है। 8 से 13 तक लघुतरी प्रश्न है, प्रत्येक 3 नंबर का है। अंकुरण प्रक्रिया किस प्रकार भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करती है, लिखिए। तो अंकुरण करना, अंकुरित करना, आप देखे होंगे चना वगैरह होता है, मूंग दाल, उसको रात भर भिगो कर रखते हैं तो उसमें जड़ी आ जाता है, यही अंकुरण विधि होता है, ठीक है। क्योंकि अंकुरण में पौष्टिक आहार बहुत होते हैं दोस्तों, जैसे मूंग और चने की दालों को किया जाता है ना, तो इसमें पोषक तत्वों में सुधार आ जाता है। तो अंकुरण की उपयोगिता। अंकुरण प्रक्रिया से दाल और चने नरम हो जाते हैं। अंकुरण से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। भोजन के पोषक तत्वों में बिना लागत बढ़ाए वृद्धि करता है। बच्चों के वंशानुगत गुणों को लिखिए, तो बच्चों के वंशानुगत माता पिता के समान चेहरे वाले होते हैं, माता पिता के बालों के जैसा उनके भी बाल होते हैं, शारीरिक बनावट भी लगभग माता पिता के समान होते हैं। 10 सभी कार्यों को समान महत्व और आदर देना महत्वपूर्ण क्यों है, समझाइए। तो सभी कार्यों को सम्मान और महत्व इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि आदर कार्य के प्रकार में नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य किस प्रकार किया जा सकता है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ उत्तरदायित्व भी होते हैं, टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो परिवार में सदस्य के रूप में हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य भी होता है। जैसे हर
परिवार में कुछ ना कुछ सबको दायित्व दिया जाता है, जैसे छोटे बच्चे जो है दुकान वगैरह चले जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो है बाहर कार्य करते हैं, तो ये जो है अधिकार जो है उत्तरदायित्व के समान होता है। सरकार आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करता है समझाइए। तो अधिकारों की रक्षा करती है, देखिए यह सुनिश्चित करके भी विनम्रता असुरक्षित अनुपयुक्त दोषपूर्ण खराब गुणवत्ता वाले सामान की पूर्ति ना करें। चयन का अधिकार देता है, तो सरकार हमको चयन का अधिकार देता है, कोई भी सामग्री खरीदने से पहले हम चयन कर सकते हैं, सरकार हमारे चयन के अधिकार की रक्षा करती है ना, ठीक है। दोषपूर्ण वजन तथा माप से आप क्या समझते हैं, जैसे आप देखे होंगे कई दुकानदार जो है गलत तरीके से नाप तौल करके हमको सामान देते हैं, है ना, जैसे चुंबक को चिपका देते हैं तराजू के नीचे और हमको कम माप दिया जाता है, तो यही होता है दोस्तों दोषपूर्ण वजन। प्रश्न क्रमांक 14-15 4 नंबर वाले सवाल है, भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए भोजन के भंडारण के दौरान कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए। तो देखिए भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए हमको निम्न सावधानी की आवश्यकता होगी, जैसे हम कोई सामग्री किसी टिन या डिब्बे में रख रहे हैं तो अच्छी तरह से ढका होना चाहिए, है ना, और बहुत सारे ऐसे ख़राब जो बोतलें होती हैं उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए गर्म पानी से, ठीक। इन्हें सेल्फ से निकाल कर उस स्थान को साफ़ कर ले, उन सभी वस्तुओं को फेंक दे जो बहुत पुरानी या ख़राब हो, तो इस प्रकार हम भंडारण में सुरक्षा दे सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए 4 उपाय बताइए, तो इजीली सवाल है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं स्वस्थ रहने के क्या क्या उपाय है। अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना, डेली जो है नहाने की व्यवस्था रखना, यानी साबुन से अच्छी तरह से हाथ पैर धोना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है। भोजन को हमेशा जो है ढक कर रखना चाहिए और शुद्ध ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। फल वगैरह को हमेशा धोकर खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं दोस्तों। सामान्य ताप तथा हल्के कार्यों में अंतर लिखे। सामान्य कार्य जो हमारे जीवन के लिए एकदम सामान्य होता है, जैसे दौड़ना, पोछा लगाना आदि। सामंजस्य शब्द से आप क्या समझते हैं, या समय बचाने में किस प्रकार सहायक होता है। सामंजस्य यानी होता है एक दूसरे की मदद करते हुए कार्य करना, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सामंजस्य। जैसे दाल पकाना और कपड़े धोना, दाल को रख दिए आप, है ना, पकाने के लिए, और उसके बाद आप कपड़े धोने के लिए चले गए, तब तक जो है कुकर में जो है दाल पक जाता है, यही सामंजस्य होता है ना, एक साथ दो दो तीन तीन कार्य करना, ठीक है। तो आप इसको समझा कर अच्छे से लिख लेना। भोजन नियोजन के महत्व को लिखिए, तो भोजन का नियोजन किस प्रकार होना चाहिए, यानी हम कैसे भोजन लें, तो उसके लिए एक समय सारणी होता है। जैसे सुबह आप नाश्ता कर लिए, हल्का भोजन ब्रेड टोस्ट वगैरह खा लिए, है ना, उसके बाद दोपहर में आपका लंच होता है, भोजन करना यानी चावल दाल रोटी इत्यादि का सेवन करना, उसके बाद तीसरा होता है रात्रि का भोजन। इस प्रकार 3 प्रकार समय को बांटा गया है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी, संतुलित आहार क्या है। और भोजन विनिमय, तो देखिए भोजन विनिमय को आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें हमारा भूख भी पूर्ण हो जाता है ना, हमको भूख भी नहीं लगता है और प्लस हमको पौष्टिक आहार भी मिल जाता है, इसको हम संतुलित आहार कहते हैं, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करता है। विस्तारित परिवार में बढ़ते हुए बच्चों को वातावरण की तुलना एकल परिवार से कीजिए, तो विस्तारित परिवार में एक साथ सभी परिवार रहते हैं, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, उससे देखकर हमारे बच्चे जो हैं उनसे उनके गुणों को सीखते हैं, है ना, और परिवार में एक सामंजस्य स्थापित होता है और जो है जीवन की सही कला सीखते हैं। जबकि एकल परिवार में जो है माता पिता बस रहते हैं और दोनों काम पर चले जाते हैं, तो इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वे आदर और संस्कार नहीं सीख पाते हैं, तो ऐसा आपको लिखना है। नवविवाहित वधू को नए घर में सामंजस्य स्थापित करने में परिवार के सदस्य किस प्रकार सहायता करते हैं। तो नवविवाहित वधु को नए घर बिना किसी समस्या के सामंजस्य कर पाने के लिए परिवार के सदस्य उसे स्वागत अपनेपन की अनुभूति करा सकते हैं। परिवार के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए तथा आपसी तालमेल बनाए रखना चाहिए। नए घर को समझने के लिए उसे कुछ समय देना चाहिए। 17-18-6 नंबर के सवाल है, तंतु क्या है, कोई 5 विशेषता लिखे। तो यहाँ छोटे बड़े रेशों जैसे एक नरम संरचना है जो सफ़ेद बाल जैसे नज़र आती है, वास्तव में यह तंतु है।
इसकी सामान्य विशेषता, जैसे कपास है, फ्लैक्स है, जूट है, ये सब जो है तंतु के प्रकार होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना। इसके बाद सूत किसे कहते हैं, कपड़ा बुनाई के कोई 5 कारण लिखिए। तो सूत गुथे हुए तंतुओं की एक निरंतर लंबी कड़ी होती है जिसे अपन सूत कहते हैं। सूत एक धागा होता है। कपड़ा बुनाई के 5 गुण, तो बुनाई से ठोस कपड़े का निर्माण हो सकता है। बुनना यानी कि कपड़े के रूप में तब्दील करना, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, धागा होता है, उससे कपड़ा बनाया जाता है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए गए जाने वाले, इसको अपने तरीके से लिखना है, आपको अपने से पॉइंट देना है। अपने आसपास को साफ रखने के लिए हमें डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। अपने घरों के कूड़े कचड़े जो होते हैं उसको एक डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। पानी को स्वच्छ रखना चाहिए, पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, है ना। संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी बहुत सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। गंदे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। बर्तन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। संवातन के कोई 6 लाभ लिखिए। तो स्वच्छ वायु को घर के अंदर लाना तथा अंदर की अस्वच्छता वायु को बाहर ले जाने, यही संवातन कहलाता है। जैसे खिड़की में एक छोटा सा हम एयर जाने के लिए पंखा फैन लगा देते हैं, और घर में भी एक फ़ैन रखते हैं जो प्रदूषित वायु होता है उसको बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर देखिए मॉडल सेट बी और सी को दोस्तों हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि सेट ए मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, बी और सी को नेक्स्ट वीडियो में।